हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और खुश रहें। आज हम आपसे शेयर करेंगे बघारे बैगन, वो भी हमारे स्टाइल में। तो यहाँ पे जो भी नज़र आ रहा है ये सब कुछ हमने 30-40 सेकेंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे 5 टेबल स्पून खोपरा लिया है, 5 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ली है और 4 टेबल स्पून मूँगफली, 1 प्याज और 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून खसखस और 1 टी स्पून ज़ीरा और 1 टी स्पून मेथी दाना। इनको पहले ड्राई पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे, पहले ड्राई पीसेंगे। ये पीस के लाते हैं, ये ड्राई पीस लिया। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें आप। और ये प्याज, और यहाँ पे 1/2 कटोरी इमली का पेस्ट, और पानी डाल के इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 किलो बैगन लिए थे। एक टिप्स देते हैं, रात को कभी भी अगर आपको खरीदना हो या किसी और से खरीदवा रहे हो तो रात को कभी भी बैगन मत खरीदें, वरना कीड़े वाले निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखें बीच में से चीरा लगाया और एक इधर से इस तरह से काट लिया, और 1 टेबल स्पून नमक डाल के पानी में इसको अच्छे से काट लिया। तो इसको अब एक उठाएंगे और इसके अंदर मसाला भरेंगे। काटते हुए अच्छे से चेक कर लेना कि कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। वैसे खरीदते हुए देख लेना कि ऊपर से सुराख होते हैं तो वो कीड़े वाले होते हैं। ये 1 किलो में हमारे पास 3-4 कीड़े वाले निकल गए। इस तरह मसाला भर के रख लेंगे। ऐसे मसाला भर के रखते जाएंगे। यहाँ पे 1 कप ऑयल ले लिया, इसमें ऑयल ज्यादा ही जाता है, तो थोड़े से कड़ी पत्ते डाल रहे हैं। तेल ठंडा ही हो गया, कड़ी पत्ता डाल दिया। अब इसमें बैगन फ्राई करेंगे, 3-4 मिनट के लिए बैगन ये सारे फ्राई कर लेंगे। ये बैगन भून लिया। अब ये जो मसाला बचा हुआ है ये डालकर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये भून लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5-6 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। मिलते हैं 5-6 मिनट के बाद। ये पकते हुए 10 मिनट हो गए, बीच में चम्मच भी चलाया और 1/2 कप पानी भी डाला, ये बन भी गए। अब इसको चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।